एक और बड़ी खबर है, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का विवादित बयान निकलकर सामने आया है। निश्चलानंद सरस्वती ने ईसा मसीह को हिंदू बताया है। 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे। ईसा मसीह ने 3 वर्ष पुरी में बिताए, वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। ये एक विवादित बयान निश्चलानंद सरस्वती की तरफ से दिया गया है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का विवादित बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे और साथ ही उन्होंने हिंदू भी बताया है, ईसा मसीह को हिंदू बताया है। कहा है कि ईसा मसीह ने 3 वर्ष पुरी में बिताए हैं, वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। एक विवादित बयान दिया गया है निश्चलानंद सरस्वती की तरफ से। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश लगातार बने हुए। अंकुश, इस तरीके के बयान और इसका क्या मतलब, निश्चलानंद स्वामी की तरफ से ये बयान दिया गया है, जाहिर सी बात है इस पर विवाद भी खड़ा हो गया होगा। देखिए, शंकराचार्य सरस्वती निश्चलानंद महाराज का कार्यक्रम आज रायपुर के बीरगांव इलाके में था और वहां पर वो बातचीत कर रहे थे। और उसी दौरान जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया तो जो सनातन धर्म है उससे जुड़े हुए सवाल हो रहे थे, और सनातन धर्म से जुड़े हुए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि जो ईसा मसीह है वो हिंदू थे और उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है। पुरी में वो रहते थे, 10 सालों तक उन्होंने पूरा समय अपना भारतवर्ष में गुजारा है, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। चूंकि ये विवादित बयान जो है, अब जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं वो इसको विवादित कह रहे हैं, और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस तरीके की स्थिति अगर है तो स्पष्ट करना चाहिए। कई तरह की बातें जो है उठती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल एक बार फिर से निश्चलानंद स्वामी का जो बयान है वो एक बार फिर से विवादों में आ घिरा है। तो पहले भी वो इस तरीके से विवादों में रहते रहे हैं, सुर्खियों में रहते रहे हैं, और इस बयान जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है, कोई आधार दिया गया है या कुछ भी ऐसे ही? देखिए, आधार की अगर बात करें तो सनातन धर्म से जुड़े हुए सवाल जवाब वहां पर किए जा रहे थे। जो जिज्ञासु लोग हैं वो अपने अपने तर्कों के आधार पर सवाल कर रहे थे, और उन तर्कों के आधार पर जब सवाल जवाब हो रहे थे तो उन्होंने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं सनातन धर्म के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है। और एक धर्म विशेष यानी ईसा मसीह को सीधा जोड़कर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 10 सालों तक वो भारतवर्ष में रहे हैं, इसलिए वो हिंदू थे और हिंदू होने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। कई तरह की बातें हैं और इस बयान के बाद अब कई तरह के विवाद जो है वो भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदर्श, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर में।